الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في موضع آخر: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صدق الله العظيم. नाज़रीन कराम, अल्लाह सुबहान तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल, उसका एहसान है कि उसने हमारी ज़िंदगियों में एक और मरतबा रमज़ानुल मुबारक अता किया, और इस महीने के आमद के बाद से हम तमाम अपने इबादात में बहुत मशगूल हैं। हम तमाम ज़्यादा से ज़्यादा निकिया कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम अपने गुनाहों की तलाफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार करने की, तौबा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम जानते हैं कि ये महीना फजीलतों, बरकतों और नेमतों से भरा हुआ है। ये वो महीना है जो तमाम 12 महीनों में सबसे ज़्यादा अफजल है, और ये महीना हमारे लिए एक ट्रेनिंग कैंप की तरह है। ये महीना हमें कई सारे इसबाक से नवाजता है, और उन इसबाक, उन ट्रेनिंग्स के साथ हम बाकी तमाम दूसरे 11 महीनों में अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। और इन तमाम इसबाक में से एक अहम मौका मज़ीद इसबाक का यौमुल फ़ुर्क़ान का है। यौमुल फ़ुर्क़ान, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, वो दिन है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ चंद असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों के साथ बद्र के मकाम पर जंग लड़ी थी। मुसलमानों की तादाद 313 थी और मुशरिकों की तादाद 1000 से बढ़कर थी, और इस जंग में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुसलमान फतेहयाब हुए। इस दिन को यौमुल फ़ुर्क़ान किस लिए कहा जाता है? फ़ुर्क़ान कहते हैं हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ को। फ़ुर्क़ान कहते हैं हक़ को वाज़े करके और बातिल को भी वाज़े करने वाली चीज़ को। तो इस दिन को फ़ुर्क़ान कहने के पीछे क्या मकसद है? अल्लाह सुबहान व तआला जब भी किसी नबी को इस दुनिया में भेजता है, तो उसके साथ हक़ को, उनके साथ जो हक़ है उसको वाज़े करने के लिए दो अहम चीज़ें साथ में भेजता है। पहला, आयात के ज़रिए हक़ को वाज़े करता है अल्लाह सुबहान व तआला, और उसी के साथ साथ इख्तदार और ताकत के ज़रिए हक़ को वाज़े करता है। आयात के ज़रिए, ये आयात जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की शक्ल में नाजिल हुई, और इससे पहले कई अंबिया पर या तो सुहफ के या फिर किताबों की शक्ल में नाजिल हुई या फिर मुअज्जज़ात की शक्ल में नाजिल हुई, और उसी के साथ साथ जो फ़ुर्क़ान ताकत और इख्तदार की बुनियाद पर है, वो उसके अंदर अल्लाह सुबहान तआला जिस भी कौम की तरफ नबी को भेजता है, उसमें जो भी मुशरिकीन या फिर जो भी नाफरमान लोग हैं, उनको अल्लाह सुबहान तआला अज़ाब का मज़ा चखाता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी कौम के पास कोई नबी आए और वहाँ पर मुशरिकीन अभी तक बाकी रहे और उन पर अज़ाब नहीं आया। या तो अज़ाब किसी मौजज़े के तौर पर आता है, खारिकुल आदा आता है, या फिर अज़ाब जिहाद के ज़रिए होता है। तो ये अज़ाब या फिर ये जिहाद, यही फ़ुर्क़ान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो फ़ुर्क़ान है, वो दो जगह पे वाज़े होता है। पहला, जंगे बद्र के मकाम पर, और दूसरा फतह मक्के के मकाम पर। और ये दोनों जंगे, ये दोनों गज़वे रमज़ान के ही महीने में हुए हैं। अब इस जंगे बद्र से कुछ अहम इसबाक ऐसे हैं जिसे हमें हासिल करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर आज के दिन में जहाँ पर हिंदुस्तान के मुसलमान कई सारे ज़ुल्म व सितम के शिकार हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे आलम में मुसलमान ज़ुल्म व सितम के शिकार हैं, तो इन इसबाक की हमें आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इन इसबाक में से सबसे पहला है कि तादाद की अहमियत इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि ऐसे कई सारे वाक़यात इससे पहले तारीख़ में पेश आए जहाँ पे एक गिरोह जो कम तादाद की है, एक दूसरी गिरोह जो उससे कई ज़्यादा बढ़कर जिनकी तादाद है, उस पर अल्लाह सुबहान व तआला ने कम तादाद वाली गिरोह को फ़तेहयाब किया। अल्लाह ताला ने अपने मशीयत से इस गिरोह को फ़तेहयाब किया। और फ़ुर्क़ान का, यानी जंग बद्र, ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसमें 313 की फ़ौज मुसलमानों की तरफ से और दूसरी तरफ 1000 से ज़्यादा तादाद की मुसल्लह फ़ौज पर इन 313 की फ़तेह हुई। इसी तरह अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है,
فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है कि अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले हों तो वो 200 पे गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 1000 हों तो वो 2000 पे गालिब आएंगे, और अल्लाह सुबहान तआला सब्र करने वालों के साथ है। और इसके साथ अल्लाह सुबहान तआला ने एक अहम शर्त लगाई, जिस तरह के मैंने आयत में तिलावत की कि साबिरून मिअतुन साबिरतुन, यानी वो लोग जो सब्र करने वाले बस उन्हीं के साथ अल्लाह सुबहान व तआला है और वही फतेहयाब होंगे चाहे उनकी तादाद कम ही क्यों ना हो। दूसरा अहम सबक जो हमें इस मौके पर मिलता है यौम फुरकान के मौके पर, वो है कि नुसरत अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ से ही है और किसी दूसरे की तरफ से नहीं है, और कामयाब वही होंगे जिसके साथ अल्लाह सुबहान व तआला है। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है वमन नसर इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, के मदद करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुबहान व तआला है, और अल्लाह सुबहान व तआला जिसकी मदद करता है वो कभी हार नहीं सकते। जिस तरह हमें इस मारके में पता चला कि अल्लाह सुबहान व तआला ने गैब की मदद की इन 313 लोगों को, और उनके और वो 1000 पर गालिब आ गए। जो तीसरा अहम सबक हमें यौमुल फुरकान से मिलता है वो है दुआओं की अहमियत के मुतालिक। अल्लाह सुबहान व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ को सुन ली है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर से पहले की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ किया कि ए अल्लाह, अगर हम इस जंग में कामयाब ना हुए तो इस अर्ज़ पर तेरी इबादत करने वाला कोई भी बाकी नहीं रहेगा, और कमा कल अली सलात वसलाम। तो इससे मालूम पड़ता है कि दुआ की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम जो भी आमाल हमारी ज़िंदगियों में करते हैं जिसमें हम कामयाबी चाहते हैं, उसके लिए दो अहम शर्तें मुकम्मल करना ज़रूरी होते हैं। पहला असबाब का अखस और दूसरा दुआ करना। अगर इन दोनों में से किसी में भी कमी अगर पाई जाए तो हमारा कामयाब होना डाउट में रहेगा। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और उसके साथ साथ असबाब को अखस करें। आखिर में अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ है कि रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में जिन तमाम असबाब के साथ आया है, और यौमुल फुरकान से जो भी हमें सबकें हासिल होती हैं उन तमाम को सीखने, समझने और बाकी 11 महीनों में उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।